नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो बार बार इसके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि 2018-19 में जो एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें भी यहाँ पर जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए थे। तो यहाँ पर आपको जो है इसी टाइप के मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन, जो वीडियो आप इसका पूरा पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका हमें मान बताना है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन की कॉस की पावर 4a का। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसमें यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है वन। तो यहाँ पर जब आप इसकी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये यहाँ पर जो है वो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी। ये हमने इसलिए निकाली है क्योंकि हमें जो मान में मान निकालना है जिसका, उसमें यहाँ पर क्या कॉस का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से मैंने कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसमें वैल्यू फाइंड करूँगा, मतलब इसको सॉल्व करूँगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए इधर है, तो मैं इधर जब इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, साइन ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू इस तरीके से निकल के आएगी। अभी हमने जो है निकाला कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए होगी या फिर साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर होगी, दोनों एक ही जैसे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा कि जो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ रही है साइन ए, इसको यहाँ पर मैं पुट करूँगा इस क्वेश्चन में, यानी कि जो हमें जिसके लिए आंसर पूछा जा रहा है उसमें मैं वैल्यू को पुट करूँगा। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा हमारे पास साइन ए, और जो कॉस की पावर 4a है इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो कॉस की पावर 4a है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बनेगा वो ओवरऑल यहाँ पर कॉस की पावर 4a होगा। और अभी अभी हमने वैल्यू जो निकाली कॉस स्क्वायर ए की वो यहाँ पर निकाली साइन ए। तो इस वाले कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं साइन ए पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। बीच में प्लस है, प्लस ले लिया, कॉस की पावर 4a को हमने इस तरीके से लिखा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू साइन ए इंटू इसकी वैल्यू भी साइन ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, साइन स्क्वायर ए आ जाएगी। तो यहाँ पर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए जिसकी वैल्यू हमें पहले से दी हुई है वन है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या निकल के आएगी, वन। इसका मतलब हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वन आ रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 12.5 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है। इसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जो है वो इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू में हो जाता है वन। तो यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको जो है वैल्यू जो दी हुई है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की दी हुई है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कहने का मतलब ये है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर सबसे पहला तो ये पॉइंट आ जाएगा जो कि बनाता है ए प्लस बी। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये यहाँ पर जो है वो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में यहाँ पर आपको वन दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पहले से दी हुई है 12.5, जो कि मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अब जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो वो वन अपॉन 12.5 हो जाएगी। यहाँ पर आप उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने पुट की तो उधर जब ट्रांसफ़र करूँगा तो वो डिवाइड में चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन 12.5, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ज़ीरो, यानी कि टेन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया 10/125। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पर इसको मतलब कैंसिल करूँगा, तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 0.08, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर जो है वो अच्छा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 3 sec² x - 2 tan² x = 6 और 0 < x and x < 90°। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी ये हमें बतानी है। तो अभी अभी क्वेश्चन नंबर टू में जो हमने फॉर्मूला देखा है वही हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है, जिसमें हमने देखा था sec²θ - tan²θ = 1 था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, tan थीटा की यहाँ पर वैल्यू निकाल लूँगा। कहने का मतलब है यहाँ पर जो है वो टेन स्क्वायर जो थीटा है उसकी वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगी, sec²θ - 1। यहाँ पर जो है वो इसका मतलब कह सकते हैं उस फॉर्मूले से ही मैंने ये वैल्यू निकाली है। तो tan²θ = क्या आ जाएगा, sec²θ - 1 वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर इस जगह पुट करूँगा जो कि क्वेश्चन में मुझे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आगे 3 sec²x - 2, तो यहाँ पर बाहर रहेगा, और tan²x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगी यहाँ पर sec²x - 1, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये 2 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 sec²x - 2 sec²x + 1। क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का था, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 sec²x - 2 sec²x, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास sec²x वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और इज इक्वल टू में यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इज इक्वल टू में आपके पास वैल्यू जो है वो 6 ली हुई थी जो मैंने अभी तक नहीं ली, तो यहाँ पर 6 वैल्यू ली हुई थी, यहाँ पर भी मैं इसकी वैल्यू 6 लूँगा। और बाकी का जो बाकी की जो वैल्यू, यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो यहाँ पर 6 में से 2 जो माइनस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4। और ये वाला पॉइंट हम सिर्फ सॉल्व कर चुके हैं, तो 3 sec²x - 2 sec²x = ये हमारे पास निकल के आएगा sec²x, और 6 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ में x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, तो sec(x) = मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि मैंने जब स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट लगेगा और 4 का रूट निकल के आता है 2, तो sec(x) = 2 आ जाएगा। अब बाकी का पार्ट सिंपल है कि सेक में जो है वो कौन से डिग्री एंगल पे यहाँ पर जो है वो 2 वैल्यू आती है, तो इसमें सिंपल है ये, आपको अगर टेबल याद है तो यहाँ पर आप आसानी से इसको पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो उसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 60° आएगी, क्योंकि सेक 60° पर ही यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं लेकिन यहाँ पर एक जैसे हैं नहीं। वहाँ पर sec और tan की बात हो रही थी, यहाँ पर cos और sin की बात हो रही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हम जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिसकी बात की थी, यहाँ पर sin²a + cos²a = 1 में, तो यहाँ पर इसको भी बता दूँ मैं कि cos²a की वैल्यू या फिर cos²x की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड कर लेनी है, या cos²θ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर x है तो मैंने x ले लिया है, तो cos²x = यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - sin²x, यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी, मतलब फॉर्मूला निकल के आएगा। कहने का मतलब ये है मैं cos²x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ये वाली जब वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाहर इसमें 3 लगा हुआ है, तो 3 जो है वो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, 3 - 3 sin²x, यहाँ पर ये इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये ली है और बाहर इसके 3 था, तो 3 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो 3 आ गया, और sin²x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 3 sin²x आ गया। फिर आगे क्या दिया हुआ है, -2 sin²x, यहाँ पर जो है वो आपको पहले से ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू में बाकी आपकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी -0.75 आपको दी हुई है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ये माइनस का साइन 3 sin²x और ये माइनस का 2 sin²x, ये बन जाएगा -5 sin²x। तो जो -5 sin²x बनेगा यहाँ पर मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँ, पहले मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू बनेगी। यहाँ पर ये बाकी का वो सेम बना रहेगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको प्लस का करने के लिए इधर ट्रांसफ़र कर दूँगा और इसको प्लस का करने के लिए 3 के पास ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 sin²x = 3 + 0.75। तो यहाँ पर जो है वो ये क्या बन जाएगा, 3.75 यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला 5 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, 3.75 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा sin²x =
0.75 यहाँ पर जो है वो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। ये कैसे आई है, 3.75 में मैंने 5 को डिवाइड कर दिया तो 0.75 निकल के आ गया है। अब यहाँ पर बाकी का पार्ट सिंपल सा ही है। 0.75 जो है मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ। बाकी का यहाँ पर आप स्क्वायर देख रहे हैं, जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर हटा के रूट लगाऊंगा तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, √3/2। अब √3/2 जो वैल्यू है वो यहाँ पर साइन की कौन से एंगल पर वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू होती है 60 डिग्री के एंगल पर, यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर ऑप्शन सी मैं निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है वो एग्ज़ाम के लिए बताएं। उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम में काम में आएंगे ज़रूर। और इसी तरह से वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्ज़ाम में, और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ डालता रहूँ।